महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए वुमन हु लीड नेशनल कंसोर्टियम नामक संस्थान ने उन महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए नारी समाज को एक अलग पहचान दी, उन्हें एक अलग मुकाम पर ले गई। वहीं संस्था के संस्थापिका राधिका सुधीर ने बताया कि वुमन हु लीड नेशनल कंसोर्टियम इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में पुणे के वेस्टिन में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 50 महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्था के इस पहल को भारत सरकार का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। केंद्र ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन की विशेष उपस्थिति में महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर भाग्यश्री पाटिल, सिमता पाटिल, श्वेता जुमानी, अमृता देवगांवकर इत्यादि जानी मानी महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित थी।